रीज़न एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरा आईफोन टूट चुका है और फाइनली आई गॉट माई न्यू आईफोन दैट इज न्यू नेक्स्ट लेवल आईफोन एक्चुअली, तो मैं इसको फाइनली अनबॉक्स कर रही हूँ। ये रहा मेरा आईफोन, बहुत टाइम के बाद, लगभग 10 दिन तो हो ही गए यार इसकी पैकेजिंग। सो दिस इज द फोन, फाइनली इसको फाइनली अनबॉक्स करने वाली हूँ। फाइनली मेरा न्यू आईफोन मेरे हाथ में आ चुका है वो पुराने वाले के जाने के बाद, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। सो आई होप इसका ऑफकोर्स इसका मतलब ये अपडेटेड वर्जन है तो इसकी क्वालिटी तो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी ही। सो मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, क्योंकि यार मैंने इतनी खर्चा किया है इसके ऊपर वो टूटने के बाद, तो ऑफकोर्स अभी मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा भाई इतना खर्चा करने के बाद, जस्ट बिकॉज कि मेरे ब्लॉग्स अच्छे से आ जाए, तो अब मैं अच्छे से ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ सभी के लिए। मैं इसको ऑन कर देती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सो गाइस मैंने बस आपको यही अपडेट देना था कि भाई मैंने एक्चुअली इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि ना मेरे पास कोई फ़ोन था नहीं ब्लॉग शूट करने के लिए, मतलब मेरे को ना मतलब अच्छा कंटेंट लेकर आना है वीडियो क्वालिटी, तो आई जस्ट लीव ओनली ऑन आईफोन। ठीक है, तो अभी मैंने न्यू आईफोन लिया है तो अभी मैं धड़ाधड़ वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, सो आज का वीडियो छोटा हो सकता है क्योंकि मैंने बस आपको यही अपडेट करना था कि भाई दिस इज़ ओनली रीज़न। ठीक है, सो मैं आपको मिलती हूँ कल अगली वीडियो में, मतलब अच्छे एक न्यू ब्लॉग लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपने मेरी वीडियोस शायद मिस किए हो, थोड़े से सब्सक्राइबर्स मुझे नहीं पता बट मिस किए हो। सो एक छोटा सा वीडियो है, मैंने बस आपको अपडेट करने के लिए वीडियो कैप्चर किया है। मैं आपको कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।